Good morning, student. In this video, we will solve exercise 2.3, chapter 2, class 6, part 1. So let's start it. Question number first. Determine the SCF of following in each of the following by prime factorization method. हमें SCF निकालना है given digits का using the prime factorization method. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 एंड 48. इनका हम सबसे पहले LCM लेंगे दोनों का कंबाइंड करके. तो देखिए क्या करते हैं, इसमें जो दोनों नंबर्स हैं गिवन डिजिट हैं वो एक ही टेबल से कब तक डिवीजर हो रही है वो हम चेक करते हैं. तो देखिए 18 और 48 दोनों ही इवन नंबर हैं, तो ऑब्वियसली बात है 2 से डिवीज़र होंगी, 2 9 18 और 2 2 4 2 4 8. अब हम फिर से चेक करेंगे ये दोनों नंबर फिर से किसी के टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं, राइट? बिल्कुल आते हैं 3 के टेबल में. 3 3 9 और 3 8 24. मगर अब मैं जब नेक्स्ट करूँगी तो मुझे या तो 3 लेना पड़ेगा, 3 1 3, या फिर 2 लेना पड़ेगा, 2 4 8. ये ऐसे 3 और 8 ऐसे नंबर नहीं है जो एक ही टेबल में किसी एक टेबल में आते हों. तो हमारा जो एस सी है उसको हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे. जब ऐसा डिजिट हमें यहाँ पर मिल जाएगा, हमें आकर यहाँ पर ऐसा डिजिट मिल जाता है जो दोनों एक टेबल में नहीं आ रहे होते हैं, तो हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे. 18 और 48 दोनों 2 के टेबल में आ रहे थे, सॉल्व हो रहे थे. 9 और 24 दोनों 3 के टेबल में आ रहे थे. तो यहाँ पर हमारा एस सी एफ निकलेगा 18 और 48 का 2 × 3, जो 2 हमने लिखे हैं, 2 × 3 = 6 आंसर हो जाएगा. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका. 91 112 49. देखिए ये तीनों डिजिट 7 से सॉल्व हो जाएंगे. 7 × 7 कितना बचा, 2 बचा और 2 और 1 21 हो गया. तो 7 3 = 21, कॉमा 7 × 7 कितना बचा, लेस करने पर 4 4 2 42, 7 6 42, कॉमा 7 7 49. ये तीनों नंबर किससे डिवाइड हो गए, 7 से. अब ऐसा कोई नंबर है जो तीनों टेबल जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो जाए, नहीं है. ये 7 है, ये 16 है, ये 13 है, ये तो ऑड प्राइम नंबर है, ये तो वैसे भी अपने टेबल में ही आएगा. तो हमारा जो इसका एस सी एफ होगा, एस सी एफ 91 112 एंड 49 = 7. हम क्या करते हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, जब तक ये गिवन डिजिट है वो एक ही टेबल में नहीं आती रहती हैं तब तक हम सॉल्व करते हैं. जैसे ये तीनों नंबर 7 के टेबल में आते थे तो हमने सॉल्व कर लिए. अब देखिए बाय अगर यहाँ आप क्या है, ये नंबर तीनों अलग अलग टेबल में आते हैं तो उसको यहीं स्टॉप कर देंगे, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा सर. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd 5th एंड 6th आपको खुद से करने हैं. अगर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आंसर ज़रूर बताऊँगी आपको. क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं. फाइंड द एस सी एफ यूजिंग द ईच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूएट डिविजन मेथड. अब देखिए इसमें हमें एस सी एफ ही फाइंड करना है, मगर हमें यूज़ करना है एस सी एफ मैथ, वो डिविजन मेथड, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 300 150. देखिए इसमें एक बड़ी डिजिट होती है, एक स्मॉलर होती है. अब इसको हम डिवाइड की तरह सॉल्व करते हैं. 150 जो स्मॉलर डिजिट है उसे बाहर रखते हैं और जो ग्रेटर डिजिट है उसको अंदर रखते हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को 150 से. 152 जो क्या होता है 300, ये तो पहले इजीली सॉल्व हो गया. तो एस सी एफ ऑफ 300 क्या होगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं लास्ट, वही इसका आंसर होगा. तो 150 इसका आंसर हो जाएगा. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd देख लेते हैं पहले. 252 ऑफ है 576. तो देखिए स्मॉलर डिजिट को मैंने बताया बाहर रखेंगे, ग्रेटर को अंदर. 252 को डिवाइड करेंगे, 576 को डिवाइड करेंगे 252 से, 2 टर्म्स जाएगा, मिलेगा 504. क्लियर? लेस करेंगे 72. अब देखिए हम डिवाइड नहीं करते, इसमें हमें डिविजन मेथड लगाना है, वो कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा. अब अच्छा यहाँ पर लेस करने पर 72, हम फिर से लगाते हैं डिवाइड का साइन. अब जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे अब उसको हम अंदर डाल देते हैं. अब देखिए कितने टर्म्स जाएगा, 72 3 2 16, लेस किया मिला 36. अब हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 72 से, अब उसको अंदर डाल दिया. 36 2 7 2, जब तक पूरा हमारा क्रॉस नहीं हो जाता, कुछ रिमाइंडर नहीं आता, तब तक हम ये प्रोसेस को करते हैं. और जो हमारा लास्ट डिविजर होता है वही हमारा आंसर होता है. सो लास्ट डिविजर इज 36, हैज़ एस सी एफ ऑफ 252 एंड 576 इज 36. क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, 4th वाला 935 और ब्रैकेट के अंदर वो डिवाइड में आएगा 1320. कितने टर्म्स आएगा, 1 टर्म्स गया. तो लेस किया क्या मिला, 385 मिला. अब देखिए 385 मिला तो हम क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे और जो पहले जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको अंदर रख देंगे.
अब 385 टू जो होता है 770, लेस किया 165 मिला। अब डिवाइड लगाएंगे, अब जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको अंदर रख देंगे। 165 से टू टर्म गया 330, लेस किया मिला 55। अब किससे डिवाइड कर रहे थे, 165 से, इसको अंदर कर दिया और 55 थ्री जो होता है 165। अब ये पूरी तरह चला गया तो हमारा लास्ट रिमाइंडर क्या मिला हमें, 55। सिंस लास्ट डिवीजर इज 55, हैंज एस सी एफ ऑफ 935 एंड 130 इज 55 आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको करना है। तीन क्वेश्चन मैंने करा दिए, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, एक मिनट, विच डिवाइड 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन केज। जब भी लीविंग रिमाइंडर आता है सबसे पहले हम जो गिवन डिजिट होती है उसमें से वो रिमाइंडर को लेस कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। तो क्लियरली वी हैव टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर। हमें पता ही है लार्जेस्ट नंबर निकालना है, जो डिवाइड करे इसको माइनस कर दिया 245 में से जो रिमाइंडर है क्या 5 और 1029 में से 5 तो हमें क्या मिलेगा 240 और 1024, एग्जैक्टली यही मिलेगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज द एस सी एफ 240 और 1024। अब हम वही लगाएंगे, डिवीजन मेथड लगाएंगे। देखिए जो स्मॉलर नंबर है बाहर रखेंगे, ग्रेटर को अंदर। 240 से फोर टर्म्स आएगा तो 960 मिला, लेस किया 64, जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे उसको अंदर रखा। 64 थ्री जब 192, लेस करने में 48 मिला, जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे उसको अंदर रख दिया। 48 बन जाए 48, 16 मिला जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको फिर से अंदर रख दिया। 16 थ्री जब 48 पूरा चला गया तो इसका क्या होगा, इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट क्या होगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ मेजरिंग टेप विच कैन मेजर एग्जैक्टली 156 मीटर एंड 216 मीटर। लार्ज ग्रेटेस्ट लेंथ निकालनी है तो लिविजर मेथड लगाएंगे इसमें भी। तो 156 को बाहर रखेंगे, 216 को अंदर। 156 बन जाए 156, लेस किया 60 मिला, जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे इसको अंदर डाल दिया। 62 जाए 120, लेस किया 30 मिला, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको अंदर डाल दिया। 36 बन जाए 36, लेस किया 24 मिला, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको अंदर रख दिया फिर डिवाइड में। 24 बन जाए 24, लेस किया 12, अब कैसे डिवाइड करें, 24 को डिवाइड करें, 24 को अंदर रखा, 12 टू जो 24 पूरा चला गया। तो हमारा जो लार्जेस्ट डिजिट होगा, देन द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ मेजरिंग टेप ऑफ 12 सेंटीमीटर विच कैन मेजर 156, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई, अ मर्चेंट हैज 312 लीटर ऑफ पेट्रोल, 204 लीटर ऑफ डीजल एंड 264 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल। ही सेल द ऑयल ऑफ फिलिंग थ्री काइंड ऑफ ऑयल इन टीज इक्वल कैपेसिटी, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टी। तीन टाइप्स के ऑयल है किसी के पास, एक है 312 लीटर पेट्रोल है, 204 लीटर डीजल है और 264 लीटर केरोसिन है, उसको मिक्स करके लगाना है। तो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी पूछ रहा है, कैसे करेंगे, देखिए देखिए स्मॉलेस्ट में सबसे पहले इसमें दो स्मॉलेस्ट नंबर चेक करेंगे, क्या है 204 और 264, डिवीजन मेथड लगाएंगे 204 और 264। वन टर्म गया, क्या मिला लेस करने में 60, जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको अंदर रख दिया मैंने। 63 जब 180 डिवाइड माइनस किया 24 और बाकी को हमने जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको हमने क्या किया, अंडर कर दिया। लेस किया क्या मिला 12, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो टू टर्म्स गया पूरा चला गया। अब हमारे पास एक नंबर और था यहाँ पर 312। अब देखिए जिससे हम लास्टली हम डिवाइड किया उसको हम 312 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 बाहर लिख लेंगे और जिसको लास्ट डिजिट थी उसको उसमें लिख लिया, 12 16 जो होते हैं 312। तो देखिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा 12, क्योंकि 12 हमने लास्ट डिवाइड किया है। तो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ तीन इज 12 लीटर्स, सॉरी मीटर लिख दिया मैंने, लीटर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एफ है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन डांस ड्रामा एंड म्यूजिक 96, 72 एंड 132 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन द नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट सीटेड इन ईच रूम इन द सेम एंड ऑल ऑफ द देम बीइंग द सेम ग्रुप। देखिए एक पार्ट प्रोग्राम हो रहा है जिसमें डांस ड्रामा म्यूजिक में इतने इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब इसमें हम कुछ चूज़ कर रहे हैं, तो देखिए हमें इसको क्या करना है, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर ई, वैसे ही आपको करना है। और 2.3 एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर पार्ट वन कंप्लीट हो गया है, इसके आगे भी क्वेश्चंस है वो मैं आपको पार्ट टू में कराऊंगी, नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराऊंगी। और उसको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्रीवियस पीछे की पॉज करके वीडियो को चेक कर लें, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ये वाला क्वेश्चन जो एफ है वो भी ऐसे ही होगा। थैंक यू।
यू।